है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग बेहद आसान तरीके से अपने खाते में 1,20,000 रुपए तक की राशि जमा कर सकते हैं। और यह न्यूनतम राशि है और अधिकतम राशि 3,50,000 रुपए तक की आपके खाते में आ सकती है। दोस्तों, 2015 में एक योजना तैयार करी गई थी प्रधानमंत्री द्वारा, जिसमें आप लोग अपने खाते में 1,20,000 से 3,50,000 रुपए पा सकते थे अपने आवास बनाने में। तो दोस्तों, इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी नई लिस्ट दोस्तों लागू कर दी गई है। इस लिस्ट में आप लोग अपना नाम कैसे देख सकते हैं और कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करें, आप लोग इस पेज पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस पेज पर जैसे ही आप लोग पहुंचेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसी स्क्रीन बन के आ रही होगी, जैसे आप लोगों को अपने स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें देखिए, आप लोगों को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए तक आसानी से पाओ। लिस्ट में नाम कैसे देखना है, उसके लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग कैसे इसमें लिस्ट में नाम देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, ये वाला ब्लू ब्लू जिस पे मैंने क्लिक कर दिया, इसके ऊपर आप लोगों को कैसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आप लोगों के सामने देखिए एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। ये वाले को हटा देना है, ये पॉपअप एड्स बोले जाते हैं इसको, इसको हटा देना हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों को इस पर आना है। इस पर आने के बाद रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें आप लोगों के सामने बहुत सारे लोगों की लिस्ट बनकर आ जाएगी। उसमें आप लोग अपना नाम खोज सकते हैं और अपना नाम उसमें रजिस्टर भी करवा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये इस नंबर पर आना है, ई वाले पे। ई वाले पे आने के बाद आप लोगों को इसमें इस पर क्लिक करना है, फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने आपके स्टेट्स आ जाएंगे, आपके राज्य आ जाएंगे। आप लोग जिस राज्य से भी हो, आप सभी लोग कोई भी इसमें अप्लाई करवा सकता है। इसमें मैं अभी उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, इसमें देखिए बहुत सारे प्रदेश लिख के आने लगे हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान, हरियाणा, ऐसे बहुत सारे इसमें लिख के आ रहे हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे फिल्टर करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को इस पर आना है। आप लोगों को यहाँ से किसी भी अपना राज्य, जिस राज्य से आप लोग हैं, अपना वो राज्य चुन लें। जैसे मैं यहाँ भी उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं अपना उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ। जैसे ही आप लोग उत्तर प्रदेश के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों से आपका सिटी पूछेगा। फिर आप लोगों के यहाँ पर अपना जो भी सिटी है उसको चुनना है। उसके बाद अपना उसमें डिस्ट्रिक्ट चुनना है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोग अगर शहर में रहते हैं तो अपने शहर का नाम इसमें लिख के आ जाएगा, उस शहर को चुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना कैप्चा कोड भरना है, जिसमें से देखिए 80-20-60, यहाँ पे आप स्टेप भर के सबमिट पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ देखिए, आप लोगों के सामने यहाँ पे नाम दिखाने लगेंगे, बेनिफिशियरी नेम, और यहाँ पे देखिए उन लोगों की आईडी दिखाने लगे, UP 30 75 28 3। जैसे देखिए इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितने इन लोगों को राशि प्राप्त हुई है और कितनी राशि अभी इन लोगों को मिलना बाकी है। देखिए, इसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि इनको जिनका नाम दिखा रहा है, देखिए अनीता नाम है, इनको हस्बैंड का नाम लाल चंद है, कैटेगरी SC, उसके बाद फीमेल, मैरिड, ये सब डिटेल देखिए इसमें आप लोगों को दिखाने लगे हैं। हाउस कैटेगरी क्या है, कंप्लीट हो गया है। इसमें आप लोगों को देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड, IFSC कोड, ग्रामीण बैंक का, और ये अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। कितना पैसा आप लोगों को मिल चुका है, इसमें पैसा इनको 1,20,000 रुपए मिल चुका है। देखिए दोस्तों, ये प्रूफ है कि इसमें आप लोगों को पैसा मिलेगा। और उसके बाद देखिए, इसमें इनकी सेंशन डेट थी 2017 की। उसके बाद फिर इसमें देखिए इन लोगों को दिखा रहे हैं कि कितना पैसा मिला। इसमें हमेशा पैसे आप लोगों को किस्तों में मिलता है, पहले 40,000 मिला, फिर 70,000, फिर 10,000। देखिए इनकी खातों की संख्या ये दी गई है, इस नंबर से इनको पैसे दिए गए, 3 इंस्टॉलमेंट में इनको पैसा दिया गया है। ये देखिए इनकी घर की फोटो इनको दिखानी पड़ी है, जिसके आप लोगों को पैसा मिलेगा। इसमें आप लोगों को घर की फोटो भी भेजनी होती है। तो दोस्तों, कुछ ये तरीका है जिससे आप लोग भी अपना 1,20,000 रुपये अपने खाते में ला सकते हैं, और बेहद आसान तरीके से। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।